लेकिन राजभवन इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह काम विधानसभा अध्यक्ष को ही करेगा। शेष उनके क्षेत्र में वो जाएंगे, जनता चुनी हुई है और जनता चुनने के बाद आगे भी क्या निर्णय लेगी ये जनता ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि फिर फिजिकल प्रेजेंस के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष को विधायक के त्याग पत्र को स्वीकार करना। हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को जो घटनाक्रम हुआ उसका साक्षी पूरा देश बना। अब आगे आगे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हम देख रहे हैं कि नेता अपनी अपनी पार्टी से वफादारी छोड़ अपना स्वार्थ साधते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी किसी प्रदेश में सियासी संकट आता है तब सभी की नजरें राजभवन की तरफ टिक जाती हैं, क्योंकि राजभवन के जो चलाने वाले राज्यपाल होते हैं उन्हें गार्जियन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। और हमारे साथ ही बात करने के लिए मौजूद है राज्यपाल जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब प्रदेश में बहुत अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, लोग भी कंफ्यूजन में हैं राज्यपाल जी की क्या प्रदेश में होने जा रहा है। तीन विधायक, निर्दलीय विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया वो आपके पास भी आए थे, उन्होंने आपसे हस्तक्षेप की मांग की थी। क्या राजभवन इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, क्या अधिकार है सर राजभवन के और राज्यपाल के? देखिए ये सच है कि विधायक मेरे पास आए थे, जो पत्र उन्होंने सचिव विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष जी को दिया था फिजिकल प्रेजेंस के साथ जी। उस पत्र की कॉपी उन लोगों ने मुझे दिया और हस्तक्षेप की बात उन्होंने जरूर किया था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राजभवन इसमें उनके पत्र को एक पोस्टमैन की तरह से कह के राज भेज सकता है विधानसभा अध्यक्ष के पास जी। मैंने वह काम किया, विधानसभा अध्यक्ष जी के पास सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णय कर्नाटक विधानसभा के संदर्भ में और मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में जो विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था उसको कोट करते हुए उनको भेज दिया था और मुझे लगता है कि उन्होंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद विधानसभा अध्यक्ष जी ने मैं उसको जवाब भी उसका दे दिया था। लेकिन राजभवन इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह काम विधानसभा अध्यक्ष को ही करना है। सर संविधान और नियमों के हिसाब से प्रदेश चले इसकी जिम्मेदारी आप पर है। हम देख रहे हैं कि एक अजीब सी स्थिति पूरे प्रदेश में है, कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है, कोई व्हिप का उल्लंघन कर रहा है तो उसकी सदस्यता टल जा रही है। जो जनता है खासकर हिमाचल प्रदेश की जनता, उन्होंने ये स्थिति पहली बार देखी है, तो फिर वो काफ़ी असमंजस की स्थिति रहती है कि उनका जो इलाके का विधायक है, जो उनका नुमाइंदा है, क्या वो उनकी आवाज़ उठा भी पाएगा आगे या नहीं, तो क्या इसमें भी राजभवन की कोई भूमिका रहती है राज्यपाल जी? नहीं, इसमें राजभवन की कोई भूमिका नहीं रहती है। विधानसभा के अंदर होने वाले जितने कार्य हैं वह किस नियम के अंतर्गत होते हैं ये भी विधायक जानते हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी जानते हैं और उसी अनुसार वो विधानसभा को चलाने का काम करते हैं और विधायक उसी प्रकार से बोलने का काम करता है। शेष उनके क्षेत्र में वो जाएंगे, जनता चुनी हुई है और जनता चुनने के बाद आगे भी क्या निर्णय लेगी ये जनता ही लेगी। राज्यपाल जी, उच्चतम न्यायालय ने जो मध्य प्रदेश और कर्नाटक के संदर्भ में फैसला दिया है वो क्या फैसला था सर, क्यों वो कोर्ट में गया था मामला, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता सके, और हिमाचल प्रदेश में अगर वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को माना जाए, वर्डिक्ट को माना जाए, तो वो किस तरह इसका असर नजर आएगा हमें? उसमें एक ही बात थी जी कि अगर विधायक पत्र भेजा है तो पत्र के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष उनको बुला करके अपनी संतुष्टि के बाद निर्णय ले सकता है, और अगर स्वयं की उपस्थिति है मतलब फिजिकल प्रेजेंस अगर वो किया है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि फिर फिजिकल प्रेजेंस के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष को विधायक के त्याग पत्र को स्वीकार करना चाहिए। आपका सर अगर राज्यपाल से इतर हम बात करें, एक साल आपको राज्यपाल बने हुए, ज़्यादा वक्त हो गया, एक साल से ज़्यादा, आपका एक बहुत लंबा सियासी अनुभव रहा, आपने कभी ऐसी अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति क्या कभी अनुभव की थी आज से पहले? हाँ किया था, कई बार घटनाएं घटती हैं तो उसकी जानकारी होती है, तो राजनीति में पहली बार नहीं है जी, होती रहती है, लेकिन जो निर्णय लेना जिसको है उसको अपने विवेक के आधार पर नियमों के अनुसार निर्णय ले लेना चाहिए। राज्यपाल जी आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। धन्यवाद।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को आप सुन रहे थे। राजभवन इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन बावजूद इसके राज्यपाल जी ने जो विधायकों ने इनको इस्तीफे की प्रति सौंपी थी उसे नियमों के मुताबिक आगे भेजा है। विधानसभा अध्यक्ष को अपने विवेक से फैसला लेना है, नियमों के मुताबिक फैसला लेना है। अभी फिलहाल लोगों को यही इंतजार है कि अगर 3 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होता है तो वहां पर लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव हो सकते हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष उसमें डिले करते हैं, उसमें देरी करते हैं, तो फिलहाल जनता को उपचुनाव के लिए इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।